हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की बात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज 2 फरवरी 2018 के करंट अफेयर। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इसमें आपको एंड में बजट से संबंधित क्वेश्चन भी बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और डेली के करंट अफेयर डेली ही देखें। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मेन मेन पॉइंट्स जो हैं। मुकदमों के आवंटन के लिए नई रोस्टर प्रणाली लागू। 12 कोर्टों में पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों के नाम से कार्य का श्रेणीवार बंटवारा किया गया इसमें। और जो जनहित याचिकाएं हैं वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की पीठ ही सुनेगी। ये जो प्रणाली है 5 फरवरी से लागू होगी। क्या नाम है इस प्रणाली का? रोस्टर प्रणाली। किससे संबंधित है? मुकदमों के आवंटन से संबंधित है ये प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया है। जी हाँ, मालदीव के हैं ये राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, इन्हें मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है, इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी, इसका समापन हो गया है इन गेम्स का। इसमें जो ये कहाँ आयोजित हुए हैं? दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और इसमें भारत को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन की सद्भावना यात्रा पर काठमांडू नेपाल गई हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और उनके जो पीएम हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा। विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में क्या है फ्रेंड्स, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना। विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट है ये। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? चीन। और दूसरे स्थान पर रहा जापान। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 6 जो है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। मगही भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, क्या नाम है इनका? देखिए मगही भाषा के हैं ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से साहित्यकार हैं? शेष आनंद मधुकर, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार से। और उन्हें यह वर्ष 2016 के लिए पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स भाषा भी पूछ ली जाती है, साहित्यकार का नाम भी पूछा जाता है पर कभी कभी भाषा पूछ ली जाती है। यहाँ भाषा इंपॉर्टेंट है, मगही भाषा के ये साहित्यकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिनेश नंदन छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल रहे हैं। दिनेश नंदन, इनका निधन हो गया है। और ये 2000 से 2003 तक जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है बलराम दास टंडन है वो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना। देखिए इस परियोजना के तहत क्या है ये कि 1225 योग्य स्नातकों को पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियुक्त किया गया है। और ये योजना किसने दी है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। पॉइंट नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ये 9 से 11 फरवरी 2018 को संपन्न होगा। कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। 3 दिवसीय है ये और इसमें 200 प्रमुख पक्षी विज्ञानी हिस्सा लेंगे। इसमें मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है वो कहाँ हो रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। पॉइंट नंबर 10 है, शरद कमल ने 8वीं बार सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसमें आपको 2 पॉइंट्स बन रहे हैं कि शरद कमल ने 8वीं बार तो जीता है, साथ ही इन्होंने कमलेश मेहता के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक के साथ $25 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ, कितने करोड़ के डॉलर का है? 25 करोड़ के। किसने किसके साथ किया है? भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ किया है ग्राम सड़क योजना के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 12, फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सरकार द्वारा है यह अवार्ड, फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। इनके इसके पहले जो है 1987 में सत्यजीत रे को यह पुरस्कार दिया गया था। सौमित्र चटर्जी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार लिंक एक्सप्रेस को 3 साल के लिए और चलाने की मंजूरी दी गई है। यह 31 जनवरी 2021 तक जो है मान्य होगा। और पाकिस्तान के खोखरा से राजस्थान के मुनाबाव के बीच यह ट्रेन चलती है। कौन सी है? थार लिंक एक्सप्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है,
पहला खादी हाट ये कहाँ पर है, कहाँ लगाया गया, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में लगाया गया। इसका किसने किया आयोजन, खादी ग्रामोद्योग आयोग और NDMC ने किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। फ्रेंड्स देखिए आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आप डेली तैयार करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस मैं जो डेली जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें आपको कम से कम 15 पॉइंट तो मैं डेली अपलोड कर ही देती हूँ, तो ये आपके तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगे। फ्रेंड्स तो अभी देख लिए हम लोग बजट के संबंधित क्वेश्चन अध्ययन करते हैं। बजट न्यू इंडिया वित्त वर्ष 2018 और 2019 का है, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश किया 1 फरवरी 2018 को। अब इस बजट में जो मुख्य घोषणाएं की गई हैं वो आप देखिए जो याद हम लोग कर सकते हैं एग्जाम के लिए। देश को टीवी मुक्त बनाने के लिए 600 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। भाई कौन से रोग को मुक्त बनाने के लिए, कौन से रोग से, तो टीवी के रोग से मुक्त बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गई है 10 करोड़ परिवारों के लिए, ठीक है। 2020 तक 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति देगी सरकार, सभी ट्रेनों में CCTV और वाईफाई लगेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी, रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है किस शहर में, बड़ौदा में। नेक्स्ट पॉइंट है 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा, कितने पर्यटन स्थल हैं, 10। उसके बाद है 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना होगी। यहाँ आपको नंबर ही मुख्य याद रखना है कि सरकारी चिकित्सा कॉलेज कितने हैं, 24 हैं और पर्यटन स्थल हैं 10। नेक्स्ट है आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे 2022 तक। यहाँ और शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल का प्रस्ताव भी लाया गया है, राइज। नेक्स्ट पॉइंट है सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, सौभाग्य योजना के तहत, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें पॉइंट नंबर 11 है, जो ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने की घोषणा की गई है और सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जाएगा। एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है इस बजट में। 2022 तक कितनी आय होगी उनकी, दोगुनी होगी, 3 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 2 गुनी आय करने का लक्ष्य रखा गया है इसी वर्ष। और जो है PM अनुसंधान अध्ययता कार्यक्रम भी आरंभ किया जाएगा, PM अनुसंधान अध्ययता कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इतने सारे ढेर सारे करंट अफेयर के पॉइंट हैं, ये रिपीट भी नहीं होते, आप डेली देखिए आपको हर रोज़ नए पॉइंट मिलेंगे और ये सब फ्रेश हैं, करंट अफेयर के हैं, डेली वाइज हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।